क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, परवीन तोगाड़िया, तू इस अकबर के दौर में है। नहीं मालूम? अगर अकबर आजम के दौर में होते तो राजपूतों की आन बान शान जोधाबाई को ये मलेका हिंदुस्तान भी नहीं बनने देते थे। आप बताइए, लव जिहाद, लव जिहाद, अरे कैका लाओ, जिहाद मुकद्दस चीज, लव अलग है, लव से जिहाद का क्या ताल्लुक? अच्छा हुआ योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, परवीन तोगाड़िया, तू इस अकबर के दौर में है। नहीं मालूम? अगर अकबर आजम के दौर में होते तो राजपूतों की आन बान शान जोधाबाई को ये मलेका हिंदुस्तान भी नहीं बनने देते थे। सेक्युलरिज्म हमारे में नहीं है, नहीं है। कैसा सेक्युलरिज्म है बोलो आप? मलेका हिंदुस्तान बनाए फिर भी हमारे पे इल्जाम क्या है? अरे मैं बहुत बोल सकता हूं, इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा, याद रख, ऐ बीजेपी आरएसएस संघ परिवार वालों, तुम मेरे अल्फाज की आतिशनुवाई का मुकाबला नहीं कर सकोगे। पना मांगते फिरोगे। अब वो दिन गए जब तुम बोलते थे हम सुनते थे, अब दिन पलट गए हैं, हम बोलेंगे तुमको सुनना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत हुई है बोलने की, इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। हमको छेड़ो नहीं, याद रखा, हमको कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं हैं। ये सर अल्लाह के सामने झुकता है, ये हाथ अल्लाह से मांगते हैं, और जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, दुनिया की कोई ताकत उस सर को झुका नहीं सकती। हम तख्ते पर चढ़ जाएंगे, फांसी पे लटक जाएंगे, लेकिन खुदा की कसम ये गर्दन नहीं झुकेगी, क्योंकि ये गर्दन अकबर ओवैसी की नहीं, मुसलमानों की गर्दन है, आपके इज्जत की गर्दन है।